मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूर और अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नई आबादी थाना पुलिस टीम ने गांव सेमली के आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ नवाब पिता अल्लाह रखा के यहां से दबिश देकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ, CPS पद्धति का डोडा और अफेम हथियार, अवैध हथियार जब्त किए हैं। नई आबादी थाना पुलिस ने आरोपी नवाब के यहाँ से करीब 121 किलो डोडे और अवैध हथियार, तलवार, बंदूक भी मिले हैं। जब्त किए गए मादक पदार्थ डोडा चूरा कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के मकान से अवैध हथियार, जिसमें 4 बंदूक, 1 चला हुआ कारतूस और 4 धारदार तलवार भी जब्त की है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ नवाब पिता अल्लारक अजमेरी निवासी उदपुरा रोड सेमली थाना नई आबादी मंदसौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के नई आबादी थाना प्रभारी पुवरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेमली गांव में आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ नवाब ने अपने घर पर CPS पद्धति का डोडा रखा हुआ है। इसी घर में अवैध हथियार भी जमा किए हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेमली गांव में दबिश दी और वहां से अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार का जखीरा पकड़ा। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ NDPS सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। Star 24 न्यूज मंदसौर। अभी हम लोगों ने अभी हमारी पूरे सभी जगहों पर स्थानांतरण होकर नए पूरी टीम आई है, तो नया मुखबिर नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं हम लोग। तो उसी तात्म्य में थाना नई आबादी के जो थाना प्रभारी वरुण तिवारी, इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेमली गांव में एक घर में जो CPS पद्धति वाला जो हमारा डोडा है वो रखा हुआ है, जिसके अंदर अफीम भी है, मतलब अभी तक उसमें चीरा नहीं लगाया, अफीम भी है। तो उसी सूचना पर वर्क करते हुए जब दबिश दी गई तो वहाँ पर से करीब हमें 121 किलो जो अनलैंस्ड यानी कि CPS पद्धति वाला जो डोडा है वो मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब जो हमारा बाजारी मूल्य है उसका करीब 18 लाख रुपए टोटल। साथ ही साथ हम लोगों ने और सर्चिंग वगैरह करी और ढूंढना प्रयास किया तो वहाँ पे हमें हथियार भी मिले, जिसमें कि 4 बंदूकें मिली हैं, 1 नाल मिली है और 3 तलवारें मिली हैं धारदार। इसमें ये जो बंदूक मिली है इसमें 3 12 बोर की हैं बंदूकें हैं, हैंडमेड बंदूकें हैं और 1 एयरगन भी है। तो इसमें आरोपी जो सिराजुद्दीन सन ऑफ अला रखा अजमेरी है, इसको हिरासत में ले लिया गया। इससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि ये हथियार का सोर्स क्या था और क्या पर्पज़ के लिए रखे हुए थे। साथ साथ जो अनलैंस्ड जो CPS पद्धति वाला, इसके पास से हमें जो डोडा मिला है इसके संबंध में भी इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति का और इसके घर में किसी का भी पट्टा नहीं है। तो हम ये इसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे कि आया कहाँ से, और इसके बाद अगर आया है तो उसमें जो मुखिया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जिस व्यक्ति का उसी तक रहना है, उसकी क्या जिम्मेदारी रही है, इसमें उसका क्या रोल रहा है, उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर आपको जैसी जो भी चीज़ तथ्य आएंगे उनको आपको अवगत कराया जाएगा। अभी हमने एक आरोपी को हिरासत में लिया, इसमें सिराजुद्दीन उर्फ नवाब अजमेरी को। सर कहीं ना कहीं हैंडमेड से जो तैयार की गई है, इस पर भी तफ्तीश जारी रखेंगे। अभी ये हैंडमेड गन मिली है हम लोगों को, तो इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहाँ बनवाई गई, कब की बनवाई हुई है और क्या पर्पस के लिए रखी गई थी, उस पर भी हम तफ्तीश आगे